चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कहा, स्वागत है मेरे दोस्त, और चांद पर लैंड कर गया चंद्रयान 3। जिस काम को रूस और अमेरिका भी नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया। पूरे देश में जश्न का माहौल, दुनिया भर में मिल रही है बधाइयां, पर काम अभी नहीं हुआ पूरा। इसरो वैज्ञानिकों के आगे है मिशन पूरा। दोस्तों, सारी मुश्किलों को पार करते हुए, दुनिया के कई देशों को गलत साबित करते हुए, हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर चुका है, और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और जिस तरह से इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया है वो नासा और रॉसकॉस्मोस के लिए भी एक सबक है। बल्कि रॉसकॉस्मोस तो चंद्रयान 3 के लैंड करने के 3 दिन पहले ही अपने मिशन में फेल हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई, उसे हमारे इसरो ने कर दिखाया। अब सभी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक की टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई है। इन्हें सिर्फ 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहां वहां घुमाकर शोध डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद तो फिर चांद पर रात हो जाएगी, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे कि रात होगी तो रोवर की बैटरी बैकअप कम होने से काम करना बंद कर देगा। इसलिए वैज्ञानिक चांद के इन 14 दिन में पृथ्वी के रात दिन एक करके अपने काम को अंजाम देंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से चौकन्ने हैं, और उनका पूरा फोकस चंद्रयान 3 मिशन के बाकी बचे हिस्सों को कंप्लीट करने पर है। यह मिशन अभी 14 दिन तक चलने वाला है, लेकिन इन 14 दिनों में होगा क्या, इसरो चांद पर कौन कौन से परीक्षण करने वाला है, और कैसी रही चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी पलों की ये कहानी, आइए ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम आपको अपने घर के आसपास पटाखों और आतिशबाजियों का शोर जरूर सुनाई दिया होगा, पर ना तो अभी दिवाली आई है और ना ही कोई दूसरा बड़ा त्योहार। फिर यह आतिशबाजी किस लिए की गई? असल में यह शोर चंद्रयान 3 की कामयाबी का था। करोड़ों लोग इसकी लैंडिंग को शाम से ही लाइव देख रहे थे, और जैसे ही हमारे विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे और हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई, क्योंकि सबको मालूम है कि यह मिशन हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसरो वैज्ञानिकों ने हमसे जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया। बहुत सारे देश जो भारत से जलते हैं और जिन्होंने चंद्रयान 2 के फेलियर पर हमारा मजाक बनाया था, उन सब की बोलती बंद हो गई है। चंद्रयान 3 की सफलता उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भारत की क्षमता पर शक करते हैं। आज दुनिया भर के बड़े बड़े एडवांस देश जैसे रूस, अमेरिका और यूके वगैरह हमें इस मिशन की सफलता पर बधाई दे रहे हैं। वाकई हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया है, और इस सफलता का पूरा पूरा श्रेय सिर्फ उन्हीं को दिया जाना चाहिए। जहां हम सभी लोग पूरी तरह इस बड़ी जीत के नशे में चूर हैं, वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने अपना फोकस मिशन से जरा भी नहीं हटाया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब आगे वैज्ञानिक इस मिशन में और क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं, और उनकी ये खोज हमारे किस तरह काम आएगी, ये जानने से पहले चलिए इस लैंडिंग के कुछ आखिरी लम्हों के बारे में आपको बताते हैं, ताकि जो लोग इसकी लैंडिंग लाइव नहीं देख पाए वो भी उस पल का हिस्सा बन सके। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 17 अगस्त के दिन अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था, और सही मायनों में देखें तो इसी सेपरेशन के साथ उल्टी गिनती लैंडिंग की चालू हो गई थी। दरअसल इसके बाद विक्रम लैंडर को बहुत तेजी से चांद की सतह की तरफ नीचे लाया गया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर यानी 20 अगस्त को सतह से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई। यहां से विक्रम लैंडर को इसकी लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल कराया गया। इस दौरान ये हमें चांद के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें और फोटोज भी भेजता रहा, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और यही वो पल था जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने इसके साथ कनेक्शन बनाकर इसको वेलकम बडी का मैसेज किया, जिसका मतलब होता है स्वागत है मेरे दोस्त। विक्रम लैंडर ने चांद के बेहद करीब जाकर इसके जो फोटो और वीडियोस कैप्चर किए उन्हें देखकर हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में ये तस्वीरें चिंता को बढ़ाने वाली थी। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई चांद के इस हिस्से में काफी सारे गड्ढे हैं और ये हर जगह हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ है। इसको देखकर एक पल के लिए हमारे वैज्ञानिक भी चिंता में पड़ गए थे कि विक्रम लैंडर इतनी खराब जगह में कैसे लैंड कर पाएगा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा रखा और प्लान के अनुसार लैंडर को आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार वो पल आ गया जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने के बिल्कुल करीब था। लैंडिंग का समय शाम 6:04 रखा गया, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करीब 45 मिनट पहले शाम 5:20 पे ही शुरू हो गई थी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए इसे लाइव देख रहे थे, जैसा इसरो ने प्लान किया था। चंद्रयान बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी हर एक बीतते पल के साथ लोगों की धड़कने बढ़ती जा रही थी। दरअसल चंद्रयान लोगों के सामने एकदम लाइव आगे बढ़ रहा था और लोगों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अब कोई अनहोनी ना हो जाए, और ना जाने कितने लोगों ने इस मिशन के कामयाब होने की प्रार्थना भी की होगी। तकरीबन 40 मिनट लाइव स्ट्रीम होने के बाद आखिरकार वो पल आया जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन को टच किया और इसरो के सफल सॉफ्ट लैंडिंग होने की अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। सालों की मेहनत, करोड़ों अरबों के कैलकुलेशंस, वैज्ञानिकों की ना जाने कितनी स्लिपलेस नाइट्स, वो सब कुछ वसूल हो गई। भारत चांद पर लैंड करने के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। और शायद आपको ये एहसास ना हो, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमारे इस मिशन के दौरान ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके चांद के इस इलाके में हमसे पहले उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस के लैंडर को मुंह की खानी पड़ी और लैंड करने से 2 दिन पहले ही ये चांद पर औंधे मुंह क्रैश हो गया। आप सोच कर देखिए, जिस मिशन को रॉसकॉसमॉस जैसी एडवांस मानी जाने वाली स्पेस एजेंसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, उसे इसरो ने कर दिखाया। और अब इसरो को दुनिया में वो पहचान और वो इज्जत मिल रही है जिसका ये बहुत समय से हकदार था। खैर, ये तो हुई लैंडिंग की कहानी, पर अब आगे 14 दिनों तक हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में कौन कौन से रिसर्च करने वाले हैं और 14 दिन पूरे होने के बाद विक्रम लैंडर का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी चांद पर भेजा गया है और अब चांद पर जितना भी रिसर्च का काम होगा वो हमारे इसी 6 पहियों वाले रोवर की मदद से किया जाएगा। दरअसल प्रज्ञान एक रोबोटिक रोवर है जो चांद के अलग हिस्सों में जाकर उसकी सतह के सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल, भूकंप और वहां मौजूद पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है वो भी आने वाले कुछ महीनों या हो सकता है कुछ सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग तरह के रिसर्च को अंजाम दे। हमारे इसरो के वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल पर कुछ जरूरी रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने में काम आएगा। अब सबसे अहम सवाल है कि 14 दिन के रिसर्च पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर और बाकी सारे उपकरणों का आखिर होगा क्या? असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 एक वन वे मिशन है, यानी हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे उपकरण हमेशा हमेशा के लिए चांद की उस अंधेरी दुनिया में ही रह जाएंगे और हमारे पास अगली जनरेशन को सुनाने के लिए इनकी बहादुरी के सिर्फ किस्से और कहानियां ही बाकी रहेंगे। वैसे आप लोग बताइए कि चंद्रयान 3 की सफलता पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।